तो दोस्तों जिसको वेट था ओप्पो रेनो 8 सीरीज का ना वो 18 जुलाई का आ चुका है इंडिया में। आपको ओप्पो रेनो सीरीज में चार वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक है ओप्पो रेनो, एक है ओप्पो रेनो लाइट, एक है ओप्पो रेनो प्रो और एक है ओप्पो रेनो प्रो प्लस। लेकिन इंडिया के अंदर दो स्मार्टफोन कंफर्म हो चुके हैं जो आपको देखने के मिलेंगे और वो स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 8 और ओप्पो रेनो 8 प्रो है। और इस दोनों फोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस भी इंडिया में आ चुकी है, तो मैं आपको पूरा प्राइसिंग और इसका पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाकर लाइक कीजिए, और उसके बाद अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो इस फोन का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानते हैं। तो आपको पता होगा कि ओप्पो रेनो का फोन बहुत अच्छा होता है और उसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ओप्पो रेनो 8 और ये है ओप्पो रेनो 8 प्रो। तो उसमें से आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। ओप्पो रेनो 8 प्रो के पीछे आपको ग्लास बैक मिल जाएगा, लेकिन आपको ओप्पो रेनो 8 में आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा। आप इस दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देख सकते हैं और उसके साथ ये फोन एमोलेड पैनल के साथ भी आता है। आपको दोनों फोन में HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा और आपको इसमें अच्छा खासा ब्राइटनेस भी मिल जाता है। डिस्प्ले साइज की हमने बात नहीं की, तो ओप्पो रेनो 8 में आपको 6.43 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन ओप्पो रेनो 8 प्रो में आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन साइज मिलेगी जो कि है 6.62 इंच की। तो अभी ओप्पो अपने परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले वो कैमरा और उसके बाद थोड़ा डिजाइन में फोकस करता था, लेकिन अभी के ओप्पो के स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएंगे, जहाँ से आपको जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपको यहाँ ओप्पो रेनो 8 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 चिपसेट मिलेगा। और अभी हमने OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के प्रोसेसर में ये चीज़ देखा है, जो कि बहुत दमदार बात है। लेकिन ओप्पो रेनो 8 प्रो की बात करें तो इसमें आपको बहुत पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा और वो है MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों बहुत दमदार बात है। मैं आपको बता दूँ, इसमें से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों इस दोनों फोन में आपको कलर OS 12.1 का सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो कि बहुत दमदार बात है और वो लेटेस्ट भी है। आपको ओप्पो रेनो 8 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाएगा। लेकिन आपको ओप्पो रेनो 8 प्रो में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो इसका बैटरी 4500 mAh का है और आपको इसमें 80 वाट का चार्जर भी मिल जाता है। आपको इस दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm का जैक सपोर्टेबल नहीं है। इंडिया में इस दोनों स्मार्टफोन का प्राइस लिस्ट भी आ चुका है और ओप्पो रेनो 8 3 वेरिएंट पे रिलीज हो रहा है, जो कि 8GB प्लस 128GB और उसका प्राइस 29,990 है, और एक है 8GB प्लस 256GB और उसका प्राइस है 31,990, और एक लास्ट वाला 12GB प्लस 256GB का है और उसका प्राइस 33,990 है। मतलब कि ये स्मार्टफोन 30,000 से शुरू हो जाएगा और इस प्राइस लिस्ट में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन, अच्छा डिज़ाइन, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा। और ओप्पो रेनो 8 प्रो की आपको 40,000 से 45,000 की इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस होगी। तो दोस्तों यही कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग है ओप्पो रेनो 8 सीरीज के लेकर। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको इससे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो प्लीज़ जाकर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ।